शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की स्मृति में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की स्मृति में देश भर में अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा द्वारा जगह जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फतेहाबाद में भी कानावन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान करने में युवतियां और महिलाएं भी पीछे नहीं गईं। उन्होंने भी स्वेच्छा से खुशी खुशी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में पहुंचे फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा का आभार जताया। अन्य संगठनों और लोगों से भी उन्होंने रक्तदान करने की अपील की। वहीं रक्तदाताओं के खुशहाल जीवन की भगवान से प्रार्थना की। वहीं अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा केंद्रीय युवा दल अध्यक्ष आकाश मेहरोठिया ने बताया कि यह रक्तदान शिविर शहादत के नाम है। वहीं उन्होंने कहा कि जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया है। इस शिविर में एक ऐसे भी रक्तदाता रक्तदान करने पहुंचे जो अब तक करीब 54 बार रक्तदान कर चुके हैं, जिन्हें देखकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने एक दिन में 2-2 बार भी रक्तदान किया है। वह सन 2000 से यूं ही रक्तदान करते चले आ रहे हैं। रक्तदान करने वालों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। मैं बड़ा प्रसन्नता पूर्वक ये कहता हूँ कि मातृवैश्य महासभा द्वारा आज पूरे देश भर में शिविर लगाए गए हैं रक्तदान के। कानावन में फतेहाबाद के अंदर जो मैंने दृश्य अभी देखा है, मुझे बहुत खुशी है कि आज आयोजकों ने जिस प्रकार से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, ये एक ईश्वरीय कार्य है। रक्तदान करना मैं समझता हूँ व्यक्ति के जीवित रहते हुए एक सबसे बड़ा दान है। लोगों को ज़रूरत होती है, लोग पीड़ित होते हैं, अनेक जगह हॉस्पिटलों में रक्त की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग ग्रुप के रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो इतने बड़े पैमाने पर रक्तदान करना ये बधाई के पात्र हैं। हमारी मातृवैश्य महासभा की टीम जो यहाँ पे आज कानावन में कर रही है, महिलाओं ने भी रक्तदान किया है, युवतियों ने भी किया है, बड़ी महिलाओं ने भी किया है, हमारे नौजवान भी कर रहे हैं। ये एक अनुकरणीय पहल की है। मैं अन्य समाज के लोगों से भी कहूँगा कि वो इस तरह के शिविर लगाएँ, लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें और जिनको आवश्यकता है ज़िंदगी बचाने के लिए उनको रक्तदान की, जब उनको रक्त लगेगा तो मैं समझता हूँ कि एक नई जिंदगियाँ तैयार होती हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को कि उन्होंने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया और विशेषकर शुभम गुप्ता के स्मृति में आज ये आयोजन किया गया, जिसने हमारे देश के लिए बलिदान किया है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। प्लाजा में भी किया है, यहाँ भी किया है, पूरे फतेहाबाद के लोग आज मैं देख रहा हूँ कि एक उत्सव जैसा माहौल, उत्सव जैसा, एक त्यौहार जैसा माहौल रक्तदान के लिए है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सबसे और रक्तदान देने वालों के जीवन में खूब खुशहाली आए, वो खूब आगे बढ़े, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सांसद जी, उस समय कितना अच्छा लगता है जब हमारा रक्त किसी के काम आए और किसी परिवार को बचा सके, किसी व्यक्ति की जान बचा सके। नहीं, निश्चित रूप से अनेक आप देखते हैं हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हों चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हों, अनेक जो उनके परिवारीजन हैं वो रक्त के लिए भागते हैं, ढूंढते हैं कहाँ रक्त मिलेगा और वहीं उपलब्धता हो जाए रक्त की, अलग अलग ग्रुप्स के रक्त वहाँ मिल जाते हैं, तो एक बड़ी राहत, एक बड़ा कार्य, वो जीवन बचाने का काम है। तो जितने लोगों का जीवन बचता है वो निश्चित रूप से रक्तदान देने वालों के लिए ज़िंदगी भर दुआएं करते हैं कि वो लोग खुश रहें, वो आगे बढ़ें जीवन में और वो आगे फिर काम लोगों के आते रहें। मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। अभी तक मैं 54 टाइम डोनेट कर चुका हूं। मैं जिस समय हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था सन 2000 से पहले से, तब से मैं डोनेट कर रहा हूँ। मैं डोनेट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि लेडीज़ को डोनेट जरूर करना चाहिए। इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती होती है, लेकिन लेडीज़ों के जो हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं तो उनके लिए बेहतर रहता है कि वो ब्लड डोनेट अपना करते रहें। आज रक्तदान शिविर में आप पहुँचे हैं, ब्लड डोनेट कर दिया? हाँ, मैं करने आया हूँ। ये क्या महसूस करते हैं जब ब्लड डोनेट आप कर देते हैं? आप देखिए, अगर स्ट्रांग है आपको महसूस कुछ नहीं करना। अगर आप मेंटली अगर डैमेज होते चलेंगे, आप सोचेंगे अरे मुझे कमज़ोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड डोनेट करने से कभी कमज़ोरी नहीं आती है, बशर्ते आप कभी सोचे नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया या मैंने डोनेट कर दिया या मुझे कमज़ोरी आ गई। कभी कोई ब्लड डोनेट करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती है। एक दिन में 2 बार ब्लड डोनेट किया? हाँ, मैंने एक दिन में 2-2 बार भी ब्लड डोनेट किया हुआ है इमरजेंसी में। हाँ जी, आज
आज भी मैं दो बार दूसरी बार ही डोनेट कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इस वजह से कि दोनों ही जगह मेरे भाइयों का कैंप लगा हुआ है। समाज का तो कैंप है ही है, लेकिन दोनों ही जगह मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि भैया मेरे पास नहीं आए हैं, इसलिए मैं दोनों ही जगह डोनेट करके आया हूँ। आप बता रहे हैं 54 टाइम आप ब्लड, ये मेरा 54 टाइम है जी। आज कहाँ से प्रेरित हुए कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए? जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था सन 1999 में, बीकॉम कर रहा था मैं, उस समय कैंप लगा था GIC कॉलेज में हमारे में कैंप लगा था, वहीं से मैं आगे बस प्रेरित हुआ था, क्योंकि मेरे पास पहली कॉल आई थी हरी पर्वत से, जो ब्लड बैंक है वहाँ से। तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, अगर उन्होंने कॉल किया है तो जाना चाहिए। उस टाइम से ही मैंने देना फिर शुरू कर दिया, मुझे किसी तरह की कोई कमजोरी या कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, उस प्रेरित हो गया मैं, अच्छा लगा। साथ में मैं जिम ट्रेनर हूँ, तो साथ में अपने जिम में भी लड़के और लड़कियों को यही सलाह देता हूँ कि आप डोनेट करते रहें। फिर भी मैं दोबारा बोलूँगा, लड़कियों को खासतौर से डोनेट जरूर करना चाहिए, जिससे उनके हार्मोन्स चेंजिंग जो होते हैं वो प्रॉब्लम ना आए। रक्तदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, उन्होंने हमारा ही मनोबल बढ़ाया है और साथ में समाज सेवा के लिए आगे चल के आए हैं। इस मानव सेवा में ये रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। आजकल आज शहीदों के नाम पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है, क्या कहते हैं? शहीदों के नाम पर हमारे समाज से एक शहीद सोम, कैप्टन सोम गुप्ता जी, जो पिछले वर्ष शहीद हुए थे राजौरी कांड में, आज उनकी शहादत में इस रक्तदान का आयोजन किया गया है। और ये रक्तदान वाकई में शहादत के नाम है, और जैसे हमारी उम्मीद थी कि हम 200 पार जाएंगे फतेहाबाद में, अभी लगभग 12 भी नहीं बजा है, करीब 160 यूनिट हो भी चुकी है। इस हमको उम्मीद है, अभी उम्मीद हमको 300 पार की, 300 पार की उम्मीद है। और जैसे उम्मीद थी पूरे भारत में उसमें लगभग 65 कैंप लग रहे थे, आज अभी रिकॉर्ड मिला है कि लगभग 75 कैंप के आसपास हो गए हैं पूरे भारतवर्ष में। केंद्रीय युवा दल और मातृभाषा समाज की बात करें तो कब से यू ही कैंप लगाए जा रहे हैं? लगभग 2016 से, आज आठवां रक्तदान शिविर है, प्रत्येक वर्ष लगाते हैं हम जून और जुलाई के महीने। जैसे किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय किस प्रकार से आप सहयोग करते हैं? हमारे पास किसी का भी कॉल आता है तो हम है ना वहीं पर जिस जगह पे वो अवेलेबल है वहीं की उसी क्षेत्र से किसी ना किसी ब्लड बैंक से कॉन्टेक्ट करके उसका। लोगों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? लोगों को संदेश ये रहेगा कि आप रक्तदान करिए, एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, और रक्तदान ही एक ऐसा दान है जो सर्वोपरि है। अब की बार मैंने देखा है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, वो भी रक्तदान कर रही है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिला सशक्तिकरण, उसका पूरा असर हमको आज दिखाई दे रहा है। अभी हमारे मुख्य अतिथि सांसद जी, हमारी चेयरमैन साहिबा श्रीमती बप्ता रविप्रकाश सल्या जी भी उपस्थित थी, उन्होंने भी आज पहली दूसरी बार रक्तदान किया है पूरे अपने जीवन काल में। रक्तदाताओं के लिए हौसला अफजाई के लिए क्या सम्मानित किया गया था? हाँ, हर कैंप में इस बार केंद्रीय युवा दल की तरफ से भरपूर सहयोग किया गया है, और अन्य सहयोगियों की तरफ से भी इस बार उपहार दिए गए हैं।